अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और बॉयज़, आज संडे है और आज मैं बस फ्रेश हो चुका हूँ और आज हम धुलवाने वाले हैं अपनी जान को, अपने पाकिस्तान के हर लड़के की ख्वाहिश को। और ये ख्वाहिश वो है जो मेरे ख्याल से तकरीबन पाकिस्तान का हर लड़का चाहता है उसके पास हो, तो वो है, चल के आपको दिखाते हैं, बताने वाली चीज़ नहीं है। ओके बॉयज़, ये रही हमारी, जो मैं आपको बता रहा था जिसके बारे में, ये रही मेरा लव। पाकिस्तान के हर टीनेजर का लव यही है। तो बस शुरू करें, आप इसको धुलवा लें और देख रहे हैं आप इसका हाल क्या होगा। अब बिफोर एंड आफ्टर आपको दिखाता हूँ। अपनी बेबी को शैम्पू लग रहा है यार। तो बॉयज़ यार, हमारा बेबी धुल रहा था तो देखें आगे किसी और का भी बेबी आ गया। वो उसने भी बड़ा चमका के रखा हुआ। हमारा बेबी चमक रहा है, उसका बेबी चमका हुआ, लेकिन वो और मज़ीद चमकाने आ गए माशाल्लाह। अच्छा बॉयज़, एक और बात बता दूँ, ये जो है ना, ये मेरा जो बेबी है ना, ये फुल ऑन जेन्युइन है। इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है सिवाय इस सीट के। ये सीट के अलावा मैंने कुछ भी मॉडिफाई नहीं करवाया हुआ और उनका भी फुल ऑन जेन्युइन है। ये मेरे वाले के ऊपर सिर्फ ये आप जो रेड रेड पेपर देख रहे हैं, ये कलर इसका ब्लैक था, इसके ऊपर मैंने रेड कलर की लेमिनेशन लगवाई थी और ये बड़ी लेविश लगती है यार। टाइम टू वॉश, नहाने का टाइम है। ये लगी साबुन सुबुन लग कर रहा है, अच्छा पूछा फिरी है और नहाया जा रहा है। बस हमारा बेबी जो है वो नहा तो चुका है, बस अब टॉवल फिरना बाकी है और वो भाईजान जो है वो टॉवल के साथ बेबी को फ्रेश कर दें और फिर हम बेबी पे बैठ के निकलते हैं। और ये तो नहीं बॉयज, अपना जो है लव, बेबी लव रेडी है। बस इसका ये रुमाल थोड़ा खुश्क हो जाए और निकलते हैं, फिर इसको धूप में खड़ा किया ताकि थोड़ी शाइन आ जाए। ओके बॉयज, तो फिर इसको छोटा सा टूर करके आते हैं। अच्छा बॉयज, अपने बेबी को हम ले तो आए टूर करवाने छोटा सा एक, लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों से यार एक बात करना चाहता हूँ बहुत सीधे अल्फाज के अंदर, वो ये कि यार जिनके पास भी होंडा सिटी 125 होता है ना यार, उन लड़कों पे खास तौर पे, जो बड़ों की मैं बात नहीं कर रहा, जो एजड लोग होते हैं या जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी बात नहीं हो रही, यंगस्टर्स की बात हो रही है कि यार यंगस्टर्स इसके बहुत ही गलत इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये इस्तेमाल होता है जी वन व्हीलिंग के अंदर। वन व्हीलिंग एक जानलेवा खेल है जो गवर्नमेंट बार बार हर रिक्शे के पीछे हर बदर जगह पे इश्तिहार लगाती है। गवर्नमेंट का ही काम नहीं है वैसे इश्तिहार लगाना, लेकिन फिर भी अगर वो इकदाम कर रही है इस चीज़ के ऊपर, तो चले हम सपोर्ट करें और इस चीज़ को यार खुद से रोकें, अपने हाथों से रोकें। अगर अपने हाथों से नहीं रोक सकते, कम से कम अपने दिल में बुरा जाने, ठीक है। तो ये सबसे पहली कोशिश हमने करनी है कि यार इस चीज़ को रोकना है कि इसके ऊपर वन व्हीलिंग नहीं होनी चाहिए। और दूसरा यार, इसके ऊपर लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं और इसकी ब्रेक्स का अक्सर इशू रहता है, लोगों से कंट्रोल नहीं होती और फिर खुद की भी जान खतरे में होती है और अगले की भी जान खतरे में होती है, और जो पीछे बैठा होता है डबल सवारी जिसके जरिए कर रहे होते हैं उसकी भी जान खतरे में होती है। तो भाई यार ये काम नहीं करना। और बाकी शौक करें, शौक का कोई जिसके पास है वो करे, जिसके पास नहीं है वो ये शौक करे कि मैं इसको लूँगा ज़रूर। तो बस मैं तो यही कहूँगा और आज का मैसेज भी यहीं तक, यार प्रायर टू बेस्ट के गलत काम से बचा दे, बचने में आफियत है, ठीक है। और बस यही, उसके बाद अब बस देखें हम छोटा सा टूर कर रहे हैं। इस वक्त हम हैं वैसे शिंगाई पुल के पास, देख सकते हैं। अब अभी मैं सर्विस रोड पे हूँ तो रश काफ़ी ज़्यादा है, बाज़ार के पास हूँ, तो बस फिर अब पहुँचते हैं। मैं वैसे टूर कर रहा था कि मेन रोड से चलो, लेकिन वापसी में आपको मेन रोड का भी करवा दूंगा, अभी तो मैं इस पर हूँ, तो फिर अभी ब्रेक लग गई तो फिर चलते हैं। अच्छा भाई, एक और बात जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा था यार, वो ये थी कि अक्सर औकात मैंने लड़कों को देखा है, यंगस्टर्स को देखा है, वो हैंड फ्री लगा के चल रहे होते हैं यार बाइक पे। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। कोई पीछे आपको ऑन दे रहा है या आपके साइड मिरर्स नहीं है, आप साइड पे नहीं देख पा रहे या आपका फोकस नहीं है साइड पे, तो कम से कम ऑन हॉर्न से ना बंदा अलर्ट हो जाता है। जब हैंड फ्री लगी हो ना कानों में, तो वो बंदे का साथ ना बड़ा मामला ख़राब होता है मेरे ख्याल से। तो मैं तो यही समझता हूँ कि यार हैंड फ्री लगा के ना चला करें। अगर आपको इतना ही शौक है तो एक साइड कम से कम लगा लें, एक साइड पे ना लगाएं। दूसरी चीज़ बस ये कि यार अगर आप लोगों को गाने का शौक़ है तो आप खुद से गुनगुना लें यार,
आपको क्या अपनी गुनगुनाहट अच्छी नहीं लगती? अब जैसे मैं भी जितनी बार भी बाइक पे चल रहा हूँ तो मैं हैंड फ्री, बहुत रेयर चांस है कि मैं कभी हैंड फ्री लगाई हो, मैं ज़्यादातर खुद से गुनगुनाता जा रहा होता हूँ और सफ़र को इन्जॉय कर रहा होता हूँ। और यही चीज़ हर एक में होनी चाहिए, सफ़र को इन्जॉय करते हुए जाए, ना कि इस तरह के गाने लगा छोड़े कानों जो में और बस चलता जाए। अन्य वाह, वो इन्जॉयमेंट नहीं, वो इन्जॉयमेंट तो होता है लेकिन वो ख़तरनाक इन्जॉयमेंट है, ये ज़रा अलर्ट हो जाता है बंदा इस तरह। तो फिर बस यही चीज़ मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा था। चलें थोड़ा सा आप रास्ता देखें, अब इसको थोड़ा सा हल्का सा स्पीड में भी दे दें ताकि आप लोग थोड़ा सा शशके भी देख लें यार, ये चलता भी है, ये नहीं है कि मैंने रखा हुआ है तो मैं इसको चलाता ही नहीं हूँ। हाँ, ओवर स्पीडिंग बहुत 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 कम करता हूँ मैं इस पर, जब बिल्कुल खाली रोड हो सिर्फ तब इस तरह चलती है, वरना मैं इसको बड़े तरीके से ही चलाता हूँ, क्योंकि यार फैमिली नीड्स यू ब्रो, आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है, आप खुद को आपकी ज़रूरत नहीं है तो ना सही। तो बॉयज़ इस बात का ख्याल रखें यार, और बस अच्छा एक मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों से बात करना भूल गया, वो ये कि यार जब भी बाइक पे निकलें हेलमेट लेके निकलें भाई, हेलमेट बहुत ज़रूरी है। और अभी देख सकते हैं आपके, मैंने भी लगाया ही हुआ है, मैं हेलमेट के बगैर नहीं चल रहा और मैंने माइक हेलमेट के अंदर रखा हुआ है। तो बॉयज मेरा हेलमेट को गोप्रो शुरू नहीं है मेरे पास, मैं मोबाइल से शूट करता हूँ, ये थोड़ा ख़तरनाक काम है लेकिन कर रहा हूँ। तो फिर भी मैंने हेलमेट ज़रूरी ही पहना हुआ है, ये नहीं है कि मैं हेलमेट के बगैर कभी इस तरह चलता हूँ। बहुत बहुत अगर मैंने बहुत करीब साथ वाली गली तक भी जाना हो तो मेरी कोशिश होती है कि यार हेलमेट कम से कम पहन के चलूँ। कभी कभार हो जाता है कि नहीं भी इंसान को मिल रहा था, तो यार ये कोशिश लाजमी किया करें। हेलमेट पे पहले काफ़ी सख्ती थी लेकिन आजकल फिर गवर्नमेंट ने बड़ी नरमी कर दी है, मैं गवर्नमेंट से भी अपील करता हूँ, जैसे पहले सख्ती की हुई थी हेलमेट पे वैसे दोबारा करें यार, बहुत ही अच्छा इकदाम था ये। हाँ शुरू शुरू में हमें खुद बुरा लगा था लेकिन जब हमें आदत पड़ गई हेलमेट की तो फिर उन्होंने नरमी शुरू कर दी है, और आने वाली जनरेशन जो है वो फिर उसको सिखाना तो हमने ही है, लेकिन फिर भी यार बच्चे जो उठ रहे हैं और वो नहीं ही ख्याल कर रहे। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी बड़ी अच्छे तरीके से निभा रहे थे लेकिन उन्होंने बहुत नरमी कर दी है, तो हमें खुद से चाहिए और गवर्नमेंट को चाहिए दोबारा से वो सख्ती लागू करे यार, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। तो अभी हम ऐसे पाक अरब के अंदर जा रहे हैं, पाक अरब सोसाइटी लाहौर की, उधर हम घूम फिर रहे हैं, तो फिर अब हम घर की तरफ रवा दवा हो जाएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे एक छोटा सा काम है भाई को, एक दोस्त से मिलना है और फिर हम घर की तरफ चले जाएंगे। तो अभी फिर बस काम करते हैं और आप लोगों से फिर वापसी में एक छोटा सा जो मेन रोड का टूर होगा वो थोड़ा सा करेंगे, फिर घर चले जाएंगे भाई। सब भाई सब हम जा रहे हैं यार बाहर की तरफ, सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं और बस फिर मेन रोड पे चढ़ते ही थोड़ी सी स्पीड करेंगे, अगर खाली हुआ तो, अगर ना खाली हुआ तो भाई तरीके से ही जाना है। हाँ जी, अरे ये नहीं करना कि बस कटिंग करते हुए और अन्य वाह, किसी को नहीं देखना, कोई बड़ा छोटा नहीं, नई तरीके से चलना है रोड के एटिकेट्स को पूरा करते हुए। और ये देखें जी, आप मेरी बाइक की स्पीड देख सकते हैं, बहुत ओवर नहीं जा रही, 40-30 यहाँ देख रहे। मैंने आपको पहले भी अपना मीटर दिखाया, जब मैं आ रहा था तब भी मैं नॉर्मल स्पीड में ही था, 30-40 से ऊपर नहीं जा रहा था, अब भी उसी स्पीड पे हूँ। मेरे ख्याल से रोड शहर के अंदर, सिटी के अंदर ये स्पीड इनफ है, और अगर आप इससे ज़्यादा ऊपर जाते हैं तो वो एक ओवर स्पीडिंग कंसीडर होगी। जहाँ पे आपको बोर्ड नज़र आ रहा है 60 लिमिट है, तो आप वहाँ से ऊपर क्यों जा रहे हैं यार, 60 से ऊपर चलाएंगे, एक तो आप चला भी गैर कानूनी रहे हैं, ऊपर से फिर अगर आप किसी के साथ एक्सीडेंट कर देते हैं तो भाई गलती आपकी है, फिर आप किसी को अगले को ब्लेम नहीं कर सकते कि हाँ तू गलत आ रहा था तो ये सही आ रहा था। जब आप ओवर स्पीडिंग पर कर रहे हैं तो आप खुद गलत कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से कि ये एक ख़ुदकुशी के मुतरादिफ है अगर आपका एक्सीडेंट होता है, और अगर आपकी मौत हो जाती है तो ये ख़ुदकुशी है यार, खुद को जो है ना इस तरह तकलीफ़ देना और कानून की पासदारी ना करना, ये भी काइंड ऑफ ख़ुदकुशी होती है। इसको कानून की पासदारी करना भी हर शहरी का फ़र्ज़ होता है, ठीक है। और ये जो अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वैसे तो ये भी कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है कि आप बाइक चलाते हुए ये सब नहीं कर सकते, लेकिन मैं आप सब लोगों को ये बताना चाह रहा था इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। वैसे मैं कोशिश करूँगा आइंदा मैं ये काम ना करूँ, अगर मुझे कोई बहुत इस तरह के मामला हों भी तो मैं वो जैकेट ले लूँ जिसके ऊपर कैमरा का होल्डर होता है, फ़ोन होल्डर या कैमरा होल्डर, उसके साथ शूट करूँ आइंदा। वैसे मैं कोई मोटर ब्लॉगर तो हूँ भी नहीं, मैं तो वैसे ही वैसे शशके हैं मेरे पास थोड़े से, मैं दिखा देता हूँ, एक मिडिल क्लास फैमिली जो शशके कर सकती है भाई,
नहीं है, मैं कोई एक लीड क्लास की इकोनॉमी से बिलोंग नहीं करता। अगर हमारा मिडिल क्लास है तो हम खुश हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो इतने महंगाई के दौर में भी अगर अच्छा खा रहे हैं तो फिर बस ठीक है, और दूसरों की मदद करें और खुद की जान की हिफाजत करें। आज का मैसेज यही था, और बस अब थोड़ा सा चेक करें कि अभी हम चुंगी क्रॉस कर रहे हैं और बस आगे थोड़ा सा टूर होगा, छोटा सा, उसको एंजॉय करें। Oh,